Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, what's coming future? No contact situation. आपके no contact situation का future क्या होने वाला है? Let's see. जो जो लोग no contact में हैं, ठीक है, आप किसी भी zodiac sign के हो सकते हैं, ठीक है. और gender specific reading नहीं होती, collective reading रहती है, timeless reading रहती है. तो keep an open mind, ठीक है. Complete reading भी resonate कर सकती है, कोई part भी resonate कर सकता है. तो forcefully कुछ भी resonate करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है. सेकेंड, ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में इसी रीडिंग के. वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल रीडिंग्स नहीं होती. वहाँ पे मतलब के शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, और मतलब के आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी. आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हैं, मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में चलते हैं उनको ध्यान में रखकर वहाँ पे रीडिंग्स अपलोड करती हूँ. शॉर्ट रीडिंग्स हैं, बहुत इतना लेंथी या लॉन्ग एनालाइज नहीं मिलेगा जैसे कि इस चैनल पे मिलता है. अगर आपको एक डिटेल रीडिंग देखनी है, एक मतलब के इन डेप्थ एनालाइज देखना है, तो आप इस रीडिंग को, इस चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है. और शॉर्ट देखना है तो उस चैनल को आप वॉच कर सकते हैं. वहाँ उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, ठीक है. शॉर्ट्स मतलब वहाँ पे सारा कॉन्टेंट शॉर्ट होता है, ठीक है. शॉर्ट रीडिंग्स मिलती हैं और इधर आपको डिटेल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन आपको यहाँ पर इस चैनल पे जितनी रीडिंग्स हैं सारी टाइमलेस हैं, ठीक है. कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम सेट नहीं है. मैं कभी भी मतलब के टाइमलेस रीडिंग करती हूँ, कभी भी टाइम सेट नहीं करती कि इतने टाइम तक ये अवेलेबल है, अदरवाइज ये इसकी नहीं. ये एक एनर्जी अपडेट होता है और एनर्जी पिक करके रीडिंग होती है, ठीक है. तो ये कभी भी आपके साथ किसी भी मोड पे या किसी भी पॉइंट पर आपको रेजोनेट कर सकती है कोई भी रीडिंग, ठीक है. तो कीप एन ओपन माइंड. ओके, अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. क्या फ्यूचर होगा इस नो कॉन्टैक्ट का? जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? व्हाट्स कमिंग इन फ्यूचर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? क्या कमिंग फ्यूचर होगा इस नो कॉन्टैक्ट का, ठीक है. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है उस पर्सन को सोचें. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. क्या फ्यूचर होगा इस नो कॉन्टैक्ट का? जो पर्सन मेरे व्यूअर के माइंड में है उस पर्सन के साथ इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है? यहाँ पे साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है. मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, जो कुछ भी राइट नाउ आपकी लाइफ में चल रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, मैं दोनों को बोलूंगी. किसी की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चल रहा होगा और एक बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है. तो एक चेंज आने वाला है, किसी तरीके का चेंज आप देखेंगे, ठीक है. किसी तरीके का आपको चेंजिंग दिखेगी. यहाँ पर एक साइकिल चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पर. जैसे कि एक मतलब कि जैसे कि एक तरीके से लाइफ चलती जा रही है. जैसे कि इंसान 9 to 5 जॉब करता है, एक जैसे जिंदगी रहती है और इंसान को लगता है ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगा, क्योंकि हर दिन ऐसे ही शुरू होता है और हर दिन ऐसे ही एंड हो जाता है. लेकिन किसी तरीके का चेंज आने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कुछ यहाँ पे डेस्टिनी का रोल है, ठीक है. आपको लगता है फिक्स टाइम है, किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से एक ही तरीके का पैटर्न है, ठीक है, इसलिए मुझे एक फिक्स एनर्जी इसलिए मिल रही है. कोई बहुत टाइम से या तो नो कॉन्टेक्ट में है, या तो कोई बहुत टाइम से रनर चीजर की एनर्जी में, या तो कोई बहुत टाइम से वेट कर रहा है. तो एक फेज चेंज हो रहा है, कुछ फिक्स था वो चेंज होने जा रहा है, क्योंकि डेस्टिनी का चेंज है, डेस्टिनी का टर्न है, ठीक है. यहाँ पे एक डेस्टिनी यहाँ पर रोल अदा करेगी. डेस्टिनी यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग को लेकर था, आपके पर्सन इनडिसाइसिव थे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे. इस रिश्ते की क्या वैल्यू है इस पर्सन की नज़र में आप समझ नहीं पा रहे थे. कोई बिग चेंज, ठीक है, आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है इस रिश्ते में. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट्स कमिंग फ्यूचर? स्नो कॉन्टैक्ट का कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है? ओके, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको इस पर्सन की तरफ से खुद से अप्रोच मिल सकती है. किसी काम के थ्रू कनेक्ट कर सकता है ये इंसान, ठीक है. और कोई अपॉलॉजी भी मिल सकती है, कोई हाय हेलो भी मिल सकता है. बिल्कुल इनिशियल स्क्रैच से कुछ स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक इंसान काफी मतलब के एक डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा मैटर है आपके रिलेशनशिप का. कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग पे आना है, ठीक है. कुछ यहाँ पर डिसाइड करना है. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत टाइम से एक टर्मोइल चल रहा था, या बहुत ज्यादा एक जैसे कि एक बॉम्बिंग चल रही थी. आप समझ नहीं पा रहे थे ये रिश्ता ठीक तो होता है नहीं, खराब दिन ब दिन होता रहता है, या कोई भी एक्शन होता है, या कोई भी एक्शन ले
मतलब कि आप लेते हैं या सामने वाला लेता है, एक नेगेटिव ही साबित होता है। जब आपको लगता है कुछ चेंज आएगा तो कुछ चेंज नहीं, कुछ नेगेटिव ही हो जाता है। तो उस तरीके का माइंडसेट आप लोग का या उस तरीके की सिचुएशन आप लोग की खत्म हो रही। ठीक है, वेट, मैसेजेस भी लेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ये कनेक्शन और इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक रही है, या तो इनडिसाइसिव एनर्जी रही है, या किसी एक्शन का आप इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहे थे, या किसी एक्शन का मतलब किसी डिसीजन मेकिंग का, तो अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, टेम्परेंस, कोई सैजिटेरियस हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पार्टनर कोई फिक्स साइन हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस हो सकता है, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, और एक्यूरियस हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, यहाँ पे चीजें जो है ना एक अलाउ की जा रही है, एक इंसान की तरफ से काफी कंट्रोलिंग था ये रिलेशनशिप, एक इंसान बहुत कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, एक जस्टिस, स्केल्स बैलेंस, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप के, एक जस्टिस आ रहा है। ठीक है, आप इस रिश्ते में बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा इस सिचुएशन की कंडीशन पूरी होल्ड करके बैठा हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक होल्ड, इस पर्सन ने कोई ना कोई माइंड गेम खेले आपके साथ। ठीक है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्ट्रॉन्गली स्टॉक कर रहा है, और आपको शो ये करता है, आई एम सो बिजी इन माई लाइफ। ठीक है, ये पर्सन आपको शो करता है, मैं बहुत बिजी हूँ, दिन पर दिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इस कनेक्शन के लिए, टाइम, बहुत कोल्ड बिहेव करता है। लेकिन ये पर्सन आपको मतलब कि स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक कर रहा है, नजर रखता है, नजर बनाई हुई है इस पर्सन की आपके ऊपर। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी, कोई आपको स्ट्रॉन्गली स्टॉक कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब के जानने की कोशिश। ओके, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, नहीं किसी तरीके का जस्टिस, किसी के इस पर्सन ने आपसे कोई माइंड गेम खेला है या आपको लेकर, ये पर्सन बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ये पर्सन कंफ्यूज है एक्शन ले या ना ले आपकी तरफ। ठीक है, कुछ मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ, जैसे कि ये कुछ होल्ड किया हुआ है, इसने कुछ रिलीज कर सकता है, कुछ आपको बता सकता है, कुछ आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने दिल और दिमाग के बीच। ठीक है, काफी बहुत इमोशनल हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, कभी बहुत इमोशनल हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा एक ड्राई एनर्जी में आ जाता है। तो मतलब कि आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप यहाँ पर सवालों के जवाब चाहते हैं, आप रेडी हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। स्टॉकिंग एनर्जी, आप स्टॉक एंड सर्च करते हैं, इसको साइलेंटली स्टॉक करते हैं, ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, आपको लगता है इसने बैक स्टेप किया था आपको। ठीक है, आपको लगता है इसने आपको धोखा दिया था, इसने आपका यूज किया था, इससे जो कुछ भी था, आप जेन्युइन थे लेकिन ये पर्सन जेन्युइन नहीं था। आप किसी चीज की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आपको ट्रुथ से लेना देना है। ठीक है, आप स्टॉक एंड सर्च करते हैं देखने के लिए कि ये मूव ऑन तो नहीं कर गया कम्प्लीटली, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या ये आपके साथ सच में, मतलब कि आप कोई, मतलब कि आप कहीं ऐसे पॉइंट पर तो नहीं है कि ये पर्सन कहीं और ही है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में इस तरीके की थिंकिंग आती होगी। ठीक है, ओके, व्हाट्स कमिंग फ्यूचर, किसी तरीके का चेंज फ्यूचर में, एक चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लारिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस तरीके का चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में। वेट, इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती, आप लोगों को जो पुराने रीडिंग्स देखने वाले हैं उनको ये बात पता होगी। ठीक है, जो रिवर्स होते हैं वो कार्ड रीड नहीं करती मैं। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई आपके पर्सन की तरफ से कुछ चेंज हो रहा है, इस पर्सन की तरफ से अगर कभी आपको कोई भी एक स्टेप, कोई आप जिस एक्शन का या जिस कदम या बढ़ाने का वेट कर रहे थे, वो कदम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो गार्ड्स डाउन हो रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन, एक फ्री फील करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा
ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, कदम बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, स्टेप लेते लेते स्टॉप हो जाता है, कुछ माइंड में ऐसी चीजें आ जाती है कि शायद जाऊं या ना जाऊं, या अप्रोच करूं या नहीं करूं, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करूं ना करूं, पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स अपनी गलतियां रियलाइज हो जाती है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से, चाहे एज अ फ्रेंड हो, एज अ कोई फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब कि एक फ्रेंडशिप में आ सकता है कोई मैसेज, या किसी काम की वजह से माइंड बन सकता है कि मतलब कि एक ये भी हो सकता है कि वो मैसेज करते बोले गलती से हो गया, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे करना क्या चाहिए राइट नाउ, ठीक है। आंखों पे पट्टी बनी हुई है, और ये पट्टी ये पर्सन चाहे तो हटा सकता है, देख सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लैरिफाई टेम्पल्स, आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, किसी तरीके की पॉसिबिलिटी चाहिए। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, कि बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है इस इंसान ने आपको लेकर, ठीक है, बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है, ये नो कॉन्टैक्ट, मैं नहीं जानती आप अपनी लाइफ में कितनी बार नो कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्ट करेगा, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो कुछ इसने होल्ड करा हुआ है, ट्रुथ होल्ड करा हुआ है, या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहा, कुछ कभी एक्सप्रेस करा ही नहीं आपको लव, ये वो वाला भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कन्फेस ही नहीं करा, वन साइडेड की पता था कि ये लव करता है, और आप हमेशा रिजेक्टेड फील करते आए हो सकते हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट रहा इस पर्सन की तरफ से हमेशा ये रिश्ता, और आप हमेशा वेट करते रहे कब ये आपकी तरफ ध्यान देगा, या कब ये स्टेप लेगा, या कब अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी इतनी मतलब कि प्योर मोहब्बत, या तो एक कम्प्लीटली ट्रू फीलिंग्स को कब समझेगा। बहुत इसके गार्ड्स अप रहे हैं, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा है आपसे, ठीक है, माइंड गेम्स खेले हैं, इस चीज का आपको जस्टिस चाहिए, जो इसने आपके साथ माइंड गेम, चीटिंग, ब्लाइंड, आपको मतलब के मैनिपुलेटिव एनर्जी जो इसने रखी, उस चीज का जस्टिस आ रहा है। जैसे कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, चीट किया है, ठीक है, गोस्ट किया है, चीट किया है, या आपसे कुछ लेकर गया है ये पर्सन, या तो आपके इमोशंस हो सकते हैं यहाँ पर, इसने बहुत सारे आपसे इमोशंस लिए, आपकी टेक केयर ली, आपकी केयर मतलब कि आप जो जैसे मदर केयर करती है अपने बच्चों की, ठीक है, आपने वो सब इस आपने हर चीज इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो थोड़ा सा पर्सन साइलेंट है ये, ओके। क्लैरिफाई एसोफेंट, यहाँ पे एसोफेंट की एनर्जी जो है, ओके, तो सारे कार्ड्स हैं, चैरियट, ओके, आपके पार्टनर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप डिवाइनली, एक डिवाइन की तरफ से आए आए गए इसकी लाइफ में पर्सन है, जैसे कि आपके साथ डेस्टिनी ने कुछ लिखा है जो परमानेंट है, जो लॉन्ग टर्म रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूज है, आपके ऑफर को लेकर इसको काफी एक स्पिरिचुअल वाइब आती है, बहुत कनेक्टेड फील करता है, सोल बॉन्ड फील करता है, लेकिन ये डिसाइड करना चाहता है, इस चीज को कंफर्म करना चाहता है, क्या आपके तरफ स्टेप उठाना चाहिए, कि आप एक मतलब कि आपको लेकर सोचता है, ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था पहले, शायद इसने आपको टॉक्सिक समझा, नेगेटिव समझा, एक डार्क साइड से बिलोंग करता हुआ इंसान समझा, क्योंकि खुद ये डार्क साइड से बिलोंग कर रहा था, या इसके पास एक्सपीरियंस बहुत बैड थे, और बहुत डिस्टर्ब लोगों के साथ, एक टॉक्सिक एनर्जीज के साथ ये पर्सन पास्ट में कनेक्टेड रहा है, ठीक है, पास्ट में इसका थोड़ा सा माइंड सेट डिस्टर्ब रहा है, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत इसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है पास्ट में, ये आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज की वजह से छोड़कर गया है पास्ट में, आपके करेक्टर पे इश्यूज, या ट्रस्ट इश्यूज, या आपके करेक्टर को लेकर बहुत मिसगाइड किसी ने किया है इसको लेकर, कुछ यहाँ पर ये पर्सन डिसाइड करना चाहता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, डिवाइन की तरफ से कोई एक हिंट चाहता है, डिवाइन की तरफ से एक इसको आपसे पीस मिलता है, अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, एक्सचेंज आप लोग के वाइब्रेशन का जो होता है, बहुत प्योर वाइब्रेशन आप लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आप काफी हील करते हैं, आप जब भी जब जब इसकी लाइफ में ऐड हुए हैं तो इसको सुकून देकर गए हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग चाहता है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई हिंट, इसको पता है इसने आपसे गलत करा है, उस चीज की रियलाइजेशन है, आप उस चीज का ही जस्टिस चाह रहे हैं, जिसने माइंड गेम्स खेले, आपको डोमिनेट करा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपको लगता है इसने गलत करा, आपके इस पर्सन जब ये कर रहा था उसको लग रहा था ये सही कर रहा है, ये थोड़ा सा जैसे कि घबराया हुआ है, अगर इसने आपके साथ गलत किया है, इसको ये बात समझ में आ चुकी है, तो ये जस्टिस से डर रहा है, ठीक है, अपना कर्मा फेस करने से डर रहा है, ऐसा ना हो आप इसको बैक स्टेप कर दे, ऐसा ना हो यहाँ पर कि आप एक रिवेंज की एनर्जी में आ जाए, मतलब कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, किसी तरीके का जस्टिस से डर रहा है इस रिश्ते में, जो कर्मा फेस करेगा उस चीज से डर रहा है। टावर की एनर्जी, आपके पर्सन थोड़े से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, ठीक है,
ये पर्सन जैसे कि कंप्लीटली प्लान कर लेता है चीज, लेकिन ये आपको लग रहा है कि नहीं होगा, ये होके रहेगा, ठीक है? ये सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होके रहेगी, ये सिचुएशन पूरी आपके फेवर में एक क्लियर कट आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ये कुछ अरसा गुजर रहा है या कुछ टाइम आप इस रिश्ते में देख रहे हैं, ये सिचुएशन सारी आपकी फेवर में आ जाएगी, ठीक है? ये जो छोड़कर गया था, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो इंसान खुद आपको चूज करेगा, आपके लिए एक्शन लेगा और आपके लिए फाइट करेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो रहा है, नेक्स्ट इस नो कॉन्टेक्ट में क्या होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। थिंक अबाउट योर पार्टनर, नेक्स्ट आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में क्या हो सकता है इस नो कॉन्टेक्ट में। आपके जो पर्सन है ना, रिस्क टेकिंग करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये पर्सन या तो मिसगाइड बहुत ज्यादा बहुत आसानी से हो सकता है, कच्चे कानों का हो सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा लोगों की सुनना या लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा मतलब कि उससे ही सबक ले लेना खुद एक्सपीरियंस करे बिना, ठीक है? ये वो वाला माइंडसेट का हो सकता है, और कदम फूक फूक के रखता है, सोच समझ के रखता है, ठीक है? ये अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चॉइस चाहता है, इसने ऑप्शंस क्रिएट करे हैं और ऑप्शन एक्सप्लोर भी करे हैं, और इसकी बेस्ट चॉइस आप है, ठीक है? इसको दूर बैठकर कहीं ना कहीं किसी कोने में समझ आ रहा है, जो था मेरे पास वो बेहतर था, मैंने अपनी ईगो में अपने एक्शन ना लेने की वजह से या ट्रस्ट बिला वजह ट्रस्ट ना करने की वजह से उस चीज को डिस्टर्ब करा। ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसको जानने की कोशिश कर रहा है डे बाय डे, ठीक है? मतलब कि आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड से पीछे से इंफॉर्मेशन हासिल करना। आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं भाई? यहाँ तो आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, ठीक है? आप इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपको बहुत ज्यादा डाउट्स हैं इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे, ठीक है? आप यहाँ पर क्लियर कट क्लैरिटी मांग रहे हैं, खास तौर पे आप जानना चाहते हैं ये सिचुएशन अभी बाकी बची है या नहीं, इस रिश्ते में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। ये पर्सन जानता है आप काफी मतलब के बहुत टाइम से आप मेंटली स्टक हैं, अब आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन से रिगार्ड्स, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं, डिसीजन आप लोग की इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कम्युनिकेशन रहती है, ठीक है? आप लोग इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, लेकिन आप लोग के बीच मुझे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन स्टकनेस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दिया है। आपके पर्सन का ये पास्ट कर्मा हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में आने से पहले ही कर्मा फेस कर रहा था और आपके पर्सन काफी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, ठीक है? और आप लोग के बीच बहुत कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, बहुत कर्मा जैसे कार्मिक साइकिल चली है आप दोनों के बीच। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हर्ट है इस पर्सन से, बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस आप देख चुके हैं, स्लीपलेस नाइट देख चुके हैं, आपको इसलिए क्लियर कट क्लैरिटी चाहती है चाहिए, ठीक है? आपने पहले एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, लेकिन राइट नाउ अब अंधों की तरह आप काम नहीं करना चाहते, एक हवा में तीर नहीं चलाना चाहते, एक हवा में क्या बोलूं कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते। अब आपको प्रूफ चाहिए, आप चाहते हैं ये ट्रस्ट गेन करे आपका, ठीक है? अब आपका दिल वो वाला नहीं होता कि वो ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकेगा, आप उस चीज से बाहर आ चुके हैं, एक मेच्योरिटी, ठीक है? आपके अंदर कुछ ना कुछ मेच्योर चीजें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, आप एक हार्श क्लैरिटी देख रहे हैं अपनी लाइफ की, हार्श ट्रुथ को फेस कर रहे हैं, ठीक है? पहले आप डरते थे इन सब चीजों से कि ट्रुथ आएगा तो सामने क्या होगा, भाग जाओ, ठीक है? अब आप फेस कर रहे हैं, बोले नहीं ये फेस करना जरूरी है, ठीक है? और आपका माइंड बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, आप हीलिंग पे इस वक्त राइट नाउ, ठीक है? कुछ कम्युनिकेशन आप लोग की पास्ट में हुई है, उसको लेकर आप बहुत क्लियर हुए हैं, आपकी एक अवेकनिंग हुई है उस कम्युनिकेशन के बाद, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हुआ है। आप काफी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है? आप समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन में क्यों इतनी डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है, लेकिन पास कुछ टाइम में, ठीक है, आप एक साइलेंट में रहकर आपकी एक अवेकनिंग हुई है, डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि एक मरा हुआ इंसान जागा है जो मर चुका था इस कनेक्शन पे, जो कुछ नहीं चाहता था इस रिश्ते से इस पर्सन के अलावा, ठीक है? लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई है इस पर्सन के साथ, आपकी कुछ पास टाइम या कुछ पास रस्ते में ऐसी बातें इस पर्सन से सुनने को मिली, या कोई आपको आपको एक अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की वजह से, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके माइंड में रह गए और आपको हील होने, आप वो वाले पर्सन है, आप खुद को हील कर सकते हैं, आपको नीड नहीं है किसी की, जरूरत नहीं है, काफी साइलेंट हो चुके हैं, बहुत मेच्योर एक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है? लेकिन आप क्लैरिटी देख रहे हैं, आप किसी मतलब कि ऐसी अंधेरे में नहीं है आप, ठीक है? अब आप क्लैरिटी देख रहे हैं, अब आप ये अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड है, आप अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए कहीं स्टक है, आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन मिला, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपको ऐसा पर्सन मिल गया जो आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए मतलब कि कोई जो आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आ सके, ठीक है? जो आपको स्टेबिलिटी बैलेंस और एक विदाउट जज करे, आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू दे सके, आप इसलिए होल्ड करके बैठे हैं, अदरवाइज आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप कमजोर हैं राइट नाउ इस नो कॉन्टेक्ट के बाद, इस
व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आप इस रिश्ते में व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट नहीं चाह रहे, आप चाह रहे लाइफ नेक्स्ट क्या देने वाली है। आप हार्श ट्रुथ और हार्श क्लैरिटी आप इस पर्सन की फेस कर चुके हैं और आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टेक्ट में, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे राइट नाउ, ठीक है, या आपको कुछ भी कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ओके, बहुत सारे हैं, नहीं ले रही, ठीक है, बहुत ज्यादा है। बी माइन, ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप उसके हैं, ठीक है, और किसी के नहीं है। यू आर माई पीस, ये तो मुझे समझ में आ रहा था, इस पर्सन को आपसे हीलिंग, पीस, सुकून बहुत मिलता है, ठीक है। अच्छा, आई कॉन्ट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है राइट नाउ, कुछ अरसे से, या कुछ जो भी आप लोग के बीच एक ट्रुथ रिवील हुआ है या क्लैरिटीज आई है, ठीक है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, इस पर्सन को ऐसा लगता है जब रियलिटी या तो आपको भी फेस हुई या इसने भी, इसको लगता है कि आप एक ओनली। आई विल कॉल यू सून, ये पर्सन की कॉल मैसेज कुछ, मैंने कहा ना कुछ बदलने वाला है, जो इंसान बिल्कुल रिजिड था, जो इंसान बिल्कुल स्टबर्न था, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था, आपको उसकी तरफ से कुछ मैसेज, वो चाहेगा इस रिश्ते में कुछ बैलेंस करना, ठीक है। वो ओपन अप होना चाहता है, एक फ्री फील करना चाहता है, वो अपने अंदर रख रख के आपके लिए थक चुका है। शायद एक आपकी कभी इसने तारीफ नहीं करी, ठीक है, आपने जो सपोर्ट करा कभी उसको सराहाया नहीं, कभी उसको अंडरस्टैंड नहीं करा या अप्रिशिएट नहीं करा, इसने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, कुछ आपको कहना चाहता है जो उसके अंदर इसने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। आई एम स्टक, इसको ऐसा लगता है ये स्टक है आपके ऊपर या कि नहीं बढ़ पा रहा। यू आर मैजिक, आप एक मैजिक की तरह है, ठीक है, आप मैजिक से कम नहीं है, ठीक है। शाइन लाइक अ स्टार, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप हमेशा शाइन करते हैं, डिवाइन आपको ऐसा सपोर्ट करते हैं, या ये आपको लेकर कुछ भी सोच रहा था, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मतलब कि आप ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप एक बिगनिंग की तरफ है अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।